छतरपुर में लॉकडाउन में अनोखी शादी देखने को मिली। 2 साल से इस युवक की शादी किसी ना किसी वजह से रुक रही थी। दूल्हे बने युवक ने प्रशासन से अनुमति लेने के बाद 3 तारीख पर शादी की और बाइक से अपनी दुल्हन को घर लेकर गए। लॉकडाउन में समाज में 2 तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। एक तबका समाज का जो खुद को पढ़ा लिखा और ओहदे वाला बताता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की अपील का मजाक बनाता है, वही दूसरा तबका भी है जो सारे नियमों का पालन करता है। छतरपुर में नौगांव ब्लॉक के करौली के रहने वाले सुनील अहिरवार की शादी पड़ोस के जिले टीकमगढ़ के हिनौता में गीता अहिरवार के साथ तय हुई थी। 2 साल से उनकी शादी किसी ना किसी कारण से टल रही थी। इस बार फिर उसकी शादी की तारीख तय हुई, लेकिन कोरोना की वजह से उसकी शादी में एक बार फिर संकट खड़ा हो गया। लेकिन उसने इस लॉकडाउन में तय तारीख पर शादी करने की ठान ही ली और शादी के लिए विधिवत प्रशासन से परमिशन ली। दूल्हा अपनी बाइक से शादी करने हिनौता पहुंच गया। उसके साथ 4 लोग शादी के लिए गए और बिना बैंड बाजे के ही वो शादी करके अपनी बाइक पर दुल्हन को बिठाकर घर ले आया। सुनील अहिरवार, आपका क्या नाम? हमारा नाम गीता अहिरवार। अच्छा, आप कहाँ शादी हुई आपकी? अभी कहाँ से बात तय कर दी आप? नौगांव नई सब्जी मंडी से। कहाँ से? नौगांव नई सब्जी मंडी। अच्छा, नौगांव से। और कहाँ गई थी बात? हनौता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।